बुलंदशहर थाना सियाना पुलिस की बाइक सवार बदमाश से हुई मुठभेड़ के दौरान क्रॉस फायरिंग में लूट में वांछित अपराधी घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बदमाश विजय के कब्जे से एक स्प्लेंडर बाइक, अवैध तमंचा, दो जिंदा व खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक दिखने पर रुकने का इशारा किया। बाइक सवार बदमाश ने भागने का प्रयास किया था। जनपद के जहांगीरपुर थाने में वांछित था गिरफ्तार लुटेरा विजय। बदमाश की घेराबंदी के दौरान पुलिस और बदमाश में हुई मुठभेड़। घायल बदमाश को पुलिस ने उपचार के लिए CHC सियाना में भर्ती करवा दिया है। देखिए, अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत सियाना पुलिस द्वारा चेकिंग किया जा रहा था आज चिंगरावटी चौकी पे। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक जब आती हुई दिखाई दी, काली स्प्लेंडर थी जिसपे नंबर प्लेट नहीं था। सियाना पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तो ये व्यक्ति भागने का प्रयास करता है। जब पुलिस द्वारा इसका पीछा किया गया तो मऊ गांव की तरफ भागते हुए इसकी बाइक जो है वो एक कच्चे मार्ग पे स्लिप करके गिर गई। अपने आप को पुलिस से घिरता देख इसने पुलिस पार्टी के ऊपर एक फायर कर दिया। आत्मरक्षात कार्रवाई में इस व्यक्ति के बाएं पैर में एक गोली लगी है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।